स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था कि कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है। मैं आज बताने जा रहा हूं कि कंपनी सेक्रेटरी की क्या भूमिका होती है। कंपनी सेक्रेटरी एक अलग अलग तरह के रोल कंपनी सेक्रेटरी अदा करता है कंपनी के अंदर। एक सबसे महत्वपूर्ण रोल कंपनी सेक्रेटरी का होता है कि कंपनी सेक्रेटरी इज एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी का अधिकारी है। कंपनी लॉ की धारा 2 अंडर सेक्शन सब सेक्शन 59 के अनुसार कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का एक अधिकारी होता है। अंडर द कंपनी एक्ट 1956 कंपनी सेक्रेटरी इज एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी। उसको कंपनी के रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारे नियम कानूनों की पालना करनी होती है। अगर मान लीजिए कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया जाना है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया जाना है, तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रेशन के वक्त जो भी रूल्स रेगुलेशंस कंपनी पर लागू होते हैं उनकी कंप्लायंस को इंश्योर करने का, उनके अनुपालना को सुनिश्चित करने का काम भी कंपनी सेक्रेटरी का होता है। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी कंपनी पर लागू होने वाले सभी तरह के जो कानून हैं, सेक्रेटरियल रूल्स हैं, उनकी कंप्लायंस को इंश्योर करता है। सेक्रेटरियल रूल्स बहुत सारे लागू होते हैं कंपनी पर, तो वो सेक्रेटरियल रूल्स के कंप्लायंस करने की जिम्मेदारी भी कंपनी सेक्रेटरी की होती है। इसके अतिरिक्त कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये बताता है कि उनकी क्या पावर्स हैं, क्या ड्यूटीज है एज एन इंडिविजुअल डायरेक्टर और एज ए कलेक्टिव बोर्ड, सामूहिक रूप से संचालक मंडल की क्या शक्तियां हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं, व्यक्तिगत रूप से क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं और क्या जिम्मेदारियां हैं, इनसे अवगत कराता है। इसके अलावा आपको पता है कि कंपनी के संचालन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कई कमिटीज का फॉर्मेशन करते हैं और उस कमिटीज की मीटिंग होती है, बोर्ड की मीटिंग होती है। उन मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करना, उनको कॉल करना, उनको रिकॉर्ड रखना और उनकी एजेंडे को तैयार करना, उनकी मिनट्स को तैयार करना कि कमेटी की मीटिंग में क्या क्या तय किया गया था, क्या क्या निर्धारित किया गया था, उन सब बातों का रिकॉर्ड्स रखना भी कंपनी सेक्रेटरी के कार्यों में आता है। कंपनी सेक्रेटरी को उन सबका रिकॉर्ड्स भी रखना पड़ता है। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी जो बोर्ड की मीटिंग होती है, कंपनी लॉ के अनुसार जो भी बोर्ड की मीटिंग होती है या कमिटीज की मीटिंग होती है, उनकी जनरल मीटिंग होती है, उनका सभाओं को के अंदर जो डिसीजन लिए गए हैं या डिसीजन लिए जाना है उनकी अप्रूवल भी उनसे लेनी होती है, उसकी अप्रूवल उससे लेनी होती है। इसके अलावा कंपनी लॉ के अंतर्गत उसको विभिन्न कोर्ट में कंपनी के खिलाफ कोई मुकदमे चल रहे हों या कंपनी को कोई दावा किसी पार्टी के विपक्ष में प्रस्तुत करना पड़ा हो, तो उन क्लेम्स के और उन सूट्स के अंदर कंपनी की ओर से सारे लीगल एक्शन लेने का काम भी कंपनी सेक्रेटरी का होता है। कंपनी सेक्रेटरी का काम लीगल वर्क तो होता ही है, इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर सहयोग, उनमें कोऑपरेट करना, उनमें सहयोग स्थापित करना और उनको आवश्यक लीगल इश्यूज के बारे में एडवाइस करना भी कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है। कंपनी सेक्रेटरी का काम एक महत्वपूर्ण ये है कि कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, उन एनुअल रिटर्न को फाइल करने का काम भी कंपनी सेक्रेटरी का होता है। इसके अलावा कंपनी अपनी शेयर कैपिटल जारी करती है तो शेयर सर्टिफिकेट है, डिबेंचर सर्टिफिकेट है, उन पर सिग्नेचर करना, उनको टाइम पर डिस्पैच करवाना, उनकी कंप्लायंस कंपनी रजिस्ट्रार को भेजना, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स को भेजना, ये सब काम भी कंपनी सेक्रेटरी का होता है। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी के अंदर जो लागू होने वाले कई तरह के रजिस्टर हैं, जैसे मेंबर्स रजिस्टर, सिक्योरिटी रजिस्टर, इन रजिस्टरों का कंसोलिडेशन करना, इनका संधारण करना भी कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है, कंपनी सेक्रेटरी के महत्वपूर्ण काम है एज एन ऑफिसर। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी के महत्वपूर्ण कामों के अंदर कंपनी सेक्रेटरी एक की मैनेजरियल पर्सन भी होता है, एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय व्यक्ति भी होता है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है, वो प्रशासन की एक कड़ी होता है, उसको कंपनी लॉ के विभिन्न प्रोविजंस की कंप्लायंस करनी पड़ती है और मैनेजर्स को आवश्यक सलाह मशविरा या
रिकमेंडेशन उसको देनी पड़ती है। कंपनी सेक्रेटरी एक तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जो पावर्स डेलीगेट किए जाती हैं लीगल संबंधी, उन सब कामों को वो करता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह कि कंपनी सेक्रेटरी एक कोऑर्डिनेशन का रोल भी अदा करता है, कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करना। ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और फंक्शनल मैनेजर दो तरह के होते हैं। फंक्शनल मैनेजर वो होते हैं जो कि कंपनी के विभिन्न तरह के फंक्शन का काम करते हैं, जैसे फाइनेंस का है, मार्केटिंग का है, प्रोडक्शन का है, सेल्स का है, तो ये फंक्शनल मैनेजर कराते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के लिए ब्रॉड प्लान एंड पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन करते हैं, और कंपनी सेक्रेटरी उसके बीच में कड़ा है, बीच में बीच की कड़ी है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी संपर्क रखता है और फंक्शनल मैनेजर से भी संपर्क रखता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिसकी स्ट्रेटेजीज है, प्लान है, पॉलिसी है, लीगल इश्यूज हैं, उनको सारी चीजों को फंक्शनल मैनेजर्स को कन्वे करना, फंक्शनल मैनेजर को अपने काम के अंदर आवश्यक गाइडेंस सहयोग देना, ये एक महत्वपूर्ण काम है जो कि कंपनी सेक्रेटरी को करना पड़ता है। तो कंपनी सेक्रेटरी वर्क्स एज एन एज ए ब्रिज बिटवीन द फंक्शनल मैनेजर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसके बीच में भी महत्वपूर्ण काम करना पड़ता है। इसके अलावा खास बात यह है कि जो कंपनी सेक्रेटरी है वो बाहरी स्टेक होल्डर्स के प्रति भी जिम्मेदार होता है, उसको जो कंटेम्प्रेरी रूल्स रेगुलेशन है उसका ज्ञान होना चाहिए, उनकी कंप्लाइंस सुनिश्चित करना चाहिए। कंपनी के कई स्टेक होल्डर रहते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, बैंकर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, हैं गवर्नमेंट की कई रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओज हैं, हैं इन सब से मीडिया के बारे में कोई अगर बयान देना है तो ऐसी स्थिति में कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी की ओर से देना पड़ेगा। कंपनी सेक्रेटरी को कोऑर्डिनेशन का काम न केवल कंपनी के फंक्शनल मैनेजर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में रखना पड़ता है, बल्कि बाहर की एजेंसी और कंपनियों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है, बाहर के स्टेक होल्डर्स कंपनी के बीच में भी उसको तालमेल बिठा के रखना पड़ता है। तो ये महत्वपूर्ण मैंने चार रोल आपको बताया। पहला रोल तो कंपनी सेक्रेटरी एज एन ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी एज एन कोऑर्डिनेटर, एंड कंपनी सेक्रेटरी एज ए की मैनेजरियल पर्सन, एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय व्यक्ति। इन तीनों रोल के बाद में आप अगले रोल आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।